गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 4 यानी मोशन को देख लिया, अब उसके अंदर वेक्टर क्या काम करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों का डिस्कशन आज होने वाला है। बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा जो एमसीक्यू आते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, तो आपको खुद से लॉजिक बनाना होगा और ये पूरे न्यूमेरिकल को समझना होगा जो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। तो रेडी हो जाओ, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है जो बहुत ही काम का है। ये रहा आपके सामने पहला एमसीक्यू। वाटर पाइपलाइन ग्राउंड हैज अ होल इन इट। अब देखो उससे उसने कितना एंगल बनाया, और जो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, उसकी स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। एट वॉट हाइट, यानी हाइट ढूंढनी है, यानी हमें याद है कितनी दूर, 6 मीटर, यानी x इज इक्वल टू 6 मीटर। चलो, प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला था y इज इक्वल टू, भूल गए क्या था फॉर्मूला, बोलो बोलो बोलो, y इज इक्वल टू x tan थीटा, रिपीट, x tan थीटा माइनस gx square अपॉन 2 times v0 square स्क्वायर थीटा। बच्चों बहुत शांत मन से सारी वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 6 है, 6 मैं यहाँ पे 10 30 यानी 10 30 को ढूंढ लेता हूँ, की वैल्यू 1/√, एज वेल एज cos 30 यानी √3/2। चलो ये मेरा हो गया 1/√3, थी का वैल्यू हम 10 लेंगे, 6 का स्क्वायर है 2 बार लिख दो, 2 वी नॉट का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 2 बार लिख दो, cos स्क्वायर यानी 3/2। अब मजे की बात है, 10 10 कट हो जाएगा, 2 4 यानी 2 बचेगा, 3 3 कट 2 बचेगा। बच्चों इसको मैं लिखूंगा तो ऐसे लिख पाऊंगा 3√, देखो ये कट होगा यहाँ से 3 2 जा, तो 1√3 बचेगा यानी √3 × 2, ये मेरा 12 12 divide by 10 यानी 1.2। अब बच्चों आपके सामने ये है कि आप उसका इजीली कैलकुलेशन कर दो, देखा और ऊपर 2 आया है, यानी ये आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये 2 रह गया, ये सुनो बेटा, और ये 2 जो नीचे से ऊपर आया वो यानी √2, इसका भी कैलकुलेशन करोगे तो आप 3 point something आएगा, 3.46 माइनस 2.4, तो मेरा आंसर आ गया 1.06। प्यारे बच्चों ये आंसर मीटर में है, अब आपको सारे आंसर सेंटीमीटर में है, कोई बात नहीं, आप उसका सेंटीमीटर करो तो 106 सेंटीमीटर यानी नन ऑफ दिस। देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी एमसीक्यू। नेक्स्ट बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन हैज मैक्सिमम हाइट, सॉरी पार्टिकल टाइम इन रेंज, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा। बच्चों यहाँ पे हम जानते हैं 10 थीटा, एक मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी 4h/r। अब आपने ये वर्ड को देखा, इफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 3 times टू इट्स रेंज, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू 3r, बस हो गया काम, 4 h की जगह 3r लिख दो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरा काम हो गया 10 थीटा इज इक्वल टू 12, तो थीटा इज इक्वल टू 10 inverse 12। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो a इज माय राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इफ द मैग्निट्यूड ऑफ sum of two vector is equal to the magnitude of difference of the two vector. दोस्तों ये समझने वाली बात है कि दो वेक्टरों का एडिशन का मैग्नीट्यूड और दो वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ऐसे जब भी कोई वर्ड आता है दोनों साइड पहले बच्चों स्क्वायर कर दो, जैसे स्क्वायर किया चलो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या आएगा, सेम स्टाइल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर सर यहाँ पे माइनस 2ab,
बच्चों याद करो, हम जब वेक्टर फॉर्म में होते तो उसके पास कॉस एंगल होता, स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर बी स्क्वायर कट, ये 2ab cos थीटा है, ये भी इस साइड आएगा, तो प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये तो सारी वैल्यू है, इसका मतलब cos की वैल्यू जीरो होगी। मेरे प्यारे बच्चों, cos की वैल्यू जीरो कब होगी? जब टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तब ये होने वाला। बढ़िया, पक्का कर दो। नेक्स्ट, ऑब्टेन द वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। बट तो इसका मतलब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की जगह कंपोनेंट वाला कंसेप्ट दिया है। इसका मतलब ये वेक्टर का इस पे कितना कंपोनेंट है, अब वो कैसे ढूंढेंगे? तो टेंशन मत लो बेटा, आपको क्या दिया, ए एंड बी दिया है, इसमें से आपको एक आर फाइंड करना। चलो रेडी हो जाओ, क्या करेंगे? मैंने उसको ए डिफाइन कर दिया, इसको मैंने बी डिफाइन कर दिया। चलो याद करो बेटा, ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, बस इसमें से ए डॉट बी को वहां पे रखो, बी को नीचे ले जाओ, हो गया आपका काम ए कॉस थीटा। चलो फटाफट, टू एंड थ्री डॉट, यहाँ पे दोनों माइनस है इसलिए लिख दिया, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर भी वन ही होगा, दैट मीन्स रूट टू, तो ये आ गया मेरा रूट टू ए कॉस थ्री। बच्चों इसको माइनस टू लिखेंगे, इसको माइनस थ्री, और ये मेरा रूट टू, तो माइनस फाइव रूट टू आने वाला। यस बच्चों देखो, गलती मत करना, आपका आंसर ए आया, ये डी मत लिखना गलती से, ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में गलतियां करवाती है, तो प्लीज नॉट दैट। नेक्स्ट, वाओ, चलो इक्वेशन आपके पास रेडी है, y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस पॉइंट ए एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं किसके साथ कंपेयर करूं? सर आपका पुराना फॉर्मूला याद करो। चलो मेरा पुराना फॉर्मूला क्या था मेरे बच्चों, y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स, कितना, टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स बी जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको लगेगा सर ये कंपेयर करके आपको बेनिफिट क्या हुआ, या फिर आप इतना खुश क्यों हो गए? देखो मैं इन दोनों को पहले कंपेयर करूंगा, तो मेरा काम हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। इसका मतलब रूट थ्री कौन से एंगल पे होता है सर? 60 डिग्री। चलो थीटा की बात करता हूँ, नाउ सेकंड, अब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, पॉइंट ए इज इक्वल टू जी अपॉन टू बी जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों पॉइंट एट को मैं 8 डिवाइड बाई 10 लिखू, चलो ये मेरा 2 सामने आएगा, बहुत शांति से बेटा बी नॉट स्क्वायर को इधर रखो, ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 60 यानी 1/2 का स्क्वायर होगा, तो 1/4 मेरा ये जी नीचे आएगा। देखो शांति से, वो आ गया, यस सर, बी नॉट स्क्वायर आ गया, यस सर, ये आ गया 4 कट यानी 2। अब देखना यहां से बचेगा तो 5, यहां से बचेगा तो 5, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। देखते यस, तो सी इज माई राइट आंसर। बस बात यहीं से खत्म हो गई, सिर्फ मैंने एक ऑप्शन ला दिया और मेरा काम डन। मैंने आगे के कोई भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना क्योंकि ऑप्शन मेरा अवेलेबल हो गया। आपको लगे नहीं सर ऐसा नहीं करते, पूरा सॉल्व करो, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। जैसे मैं आपको करवा रहा हूं, पर एग्जाम के टाइम बेटा आपको स्पीड पे भी फोकस करना पड़ेगा। चलो रेंज,
तो रेंज का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी वी नॉट स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा साइन 120 यस और नो अपॉन जी की वैल्यू 10। बच्चों ये 25, अब बोलो जो ये यहाँ पे मैं सारे एंगल को लिख रहा हूँ क्योंकि आपको एंगल याद रखने पड़ेगा, साइन 120 यानी 180 माइनस 60 यानी साइन 60, साइन 60 का मतलब रूट 3 बाय 2, तो ये हो गया रूट 3 बाय 2 और ये आपका 10 वैसा का वैसा। बस बच्चों रेडी हो जाओ, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। कैसे सर? यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से कट होगा तो 5 बचेगा, 5 रूट 3 डिवाइड बाय 4। देखो आपका सेकेंड का आंसर भी आया। यस सर, अब धीरे धीरे सारे सॉल्व करवाता हूँ। चलो बेटा टाइम भी चाहिए एंड मैक्सिमम हाइट, आप खुद से ट्राई करो। चलो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, में आप वैल्यू पुट करो तो हाइट का भी मिल जाएगा। और आपको लगे सर हमें टाइम भी ढूंढना है, तो के टोटल फ्लाइट टाइम बोला, टोटल फ्लाइट टाइम यानी 2t0 साइन थीटा 0 अपॉन, इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो वेक्टर आपको दिए हैं, आपको बोला है कि सर आपको टाइम पीरियड ढूंढना। चलो मैं एक काम करूँ, ये दोनों मेरे पास हैं। यस सर, टी पे दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर यानी ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा। अब मजे की बात है, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी आई कैप सॉरी जे कैप डॉट प्रोडक्शन है डॉट कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप कॉस सॉरी साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप इज इक्वल टू जीरो। अब दोस्तों इसका सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करो तो कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू, ये दोनों का एडिशन प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाय टू इज इक्वल टू जीरो। तो शांति से याद करो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का फॉर्मूला हो गया इज इक्वल टू, सर कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है? पाई बाय टू के टाइम। कॉस कॉस कट हो जाएगा यानी हमारा आया ओमेगा टी बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय टू, टू टू कट हो जाएगा, बात खत्म पैसा हजम, ये मेरा आंसर आ गया, डी इज माय राइट आंसर। देखा बेटा बहुत 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 बढ़िया एमसीक्यू था। नेक्स्ट सर, ए बी एंड सी की वैल्यू दी है आपको, उन दोनों के बीच का एंगल ऐसा कोई भी दिया है तो मैं अभी क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं। चलो क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta is equal to c square, root 3 का square, root 3 का square, root 3 into root 3, 3, तर एंगल नहीं पता और ये मेरा 3 का square। बच्चों ये 6 हो गया, ये हो गया 6 cos theta और ये हो गया 9, और अच्छे से लिखो तो 6 cos theta is equal to, ये 6 इधर जाएगा तो 3, तो बच्चों cos theta is equal to 3/6, सर 3/6 का मतलब 1/2 यानी मेरा काम आ गया 60 एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में। ओके नेक्स्ट दोस्तों, ये सेम स्टाइल वाला कंपोनेंट वाला हुआ, तो इसको आप क्या बोलोगे, ए बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, बी। चलो बेटा मैं आपके लिए फटाफट सॉर्ट कर रहा हूं, बोलो ए डॉट बी क्या ढूंढना है, ए कॉस थीटा अपॉन बी, इस पे तो इसका पहले मैग्नीट्यूड ड्रॉ करो, क्या आएगा 4 प्लस 9 दैट मीन
है ना, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। चलो दोनों का डॉट प्रोडक्शन करना है, यानी 1 1 डॉट 2 3 अपॉन रूट 13। रूट 13 में ऐसा क्या वैसा, चलो डॉट प्रोडक्शन यानी 2 प्लस 3 हो गया 5 बाय रूट 13। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ए इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री इस विद द हॉरिजॉन्टल स्पीड काइनेटिक स्पीड इसके सर मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होगी। बच्चों ये प्रोजेक्ट आई का बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट होगा। ये मेरा बॉल है, हम उसको फेंक रहे हैं। बच्चों ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी का कंसेप्ट हुआ, यानी वी नॉट, ये उसने एंगल बनाया है 60। अब आपको समझना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट बोला सर, जब वर्ड आता है मैक्सिमम हाइट तब वी जीरो वाई जीरो हो जाता है क्योंकि वो स्टेबल होता है, तो उसका वाई कंपोनेंट जीरो हो गया, सिर्फ उसका एक्स कंपोनेंट ही आएगा यानी वी जीरो कॉस थीटा। अब आपको लगे सर क्या करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर था, पर यहाँ पे हाफ एम वी कॉस थीटा नहीं, काइनेटिक एनर्जी ये स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 60। चलो बच्चों इसको आप के बोलते हो, यस सर, cos 60 यानी 1/2 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो मेरा काम यहीं से खत्म हो गया। जो नई काइनेटिक एनर्जी होने वाली है वो k/4 होने वाली है। तो मजा आ गया, क्लियर। और एक स्टेप आगे बढ़ते बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द ग्राउंड इज जे कैप, डी की वैल्यू भी है, तो सर इक्वेशन क्या होगा। बहुत बढ़िया पूछा, इक्वेशन का फॉर्मूला तो आपको याद है, वाई इज इक्वल टेन थीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। सर इसका मतलब देखो, वी जीरो cos थीटा, देखना मजा आएगा, इज इक्वल टू 1, और दूसरा v0 sin थीटा इज इक्वल टू 2। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो v0 स्क्वायर क्या होगा, चलो 1 + 4 यानी 5, तो v0 इज इक्वल टू √5। यस सर, ये मिलने के बाद क्या होगा, देखो बच्चों यहीं से तो सारी कंसेप्ट आई। देखो यहां से अगर मैं बोलूं मेरे को cos थीटा मिल जाएगा, यस बच्चों देखो cos थीटा इज इक्वल टू 1/v0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√5 हो गया कि नहीं हो गया। सर tan थीटा मिल जाएगा, यस माय डियर, tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा, दोनों साइड v0 से मल्टीप्लाई कर दो, बात यही हो गई, यानी 2। बस हो गया काम। चलो बच्चों फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, टेन थीटा की जगह 2 एक्स, डी की वैल्यू 10 एक्स स्क्वायर ये 2, वी नॉट स्क्वायर यानी 5, कॉस स्क्वायर थीटा यानी वो भी 1/√5, 5 कट यहां से 5 कट, तो 2x माइनस 5x स्क्वायर। बोलो बच्चों आ गया कि नहीं, यस सर, बी इज माई राइट आंसर। देख सकते हो बच्चों बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू आपके पास आ गया, जो बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाला। ओके, आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0, यानी ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है, थीटा की दो वैल्यू आ सकती है, थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू 180 का मतलब पाई। पर बच्चों रुको, दूसरी भी कंडीशन आपको दी है, देखो बी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस ए का मतलब ए बी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए बी हो
ये कट हो जाएगा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन। बात यहीं से प्रॉपर हो गई, यही मेरा कंसेप्ट था, तो थीटा इज इक्वल टू पाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट दो है ए एंड बी, सेम इनिशियल वेलोसिटी रेशियो मैक्सिमम हाइट। अगर दोनों की इनिशियल वेलोसिटी इट सेम तो हाइट, यानी बच्चों h1 by h2 आपका रेडी है 3 by 1। अब ये वर्ड पकड़ लो, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बिकम्स थाइस देन द बी, यानी बच्चों v नॉट ए इक्वल टू 3 टाइम्स v नॉट बी, तब उसकी रेंज क्या होगी। वाओ, इनिशियल वेलोसिटी का भी कंसेप्ट आया, रेंज का भी कंसेप्ट आया, और आपको एक नए कंसेप्ट पे, यानी ऐसा बोला है कि आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, आपको सोचना पड़ेगा। तो आप लोग ही मेरे को बताओ बेटा, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मेहनत करके आप क्या कर सकते। सर आपको एच का पोर्शन दिया है ना, तो उस पर थोड़ा फोकस करो, एच का फॉर्मूला याद करो, और हम उसको यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व कर सकते वो सोचो। कि सर उसको इन्वॉल्व करने के लिए हमें पहले इनिशियल बेस पे सेम वेलोसिटी वर्ड दिया है, तो सेम वेलोसिटी वर्ड दिया है क्या उसका कोई बेनिफिट होने वाला है। मैं बोलता हूँ यस बेटा, आपको सेम वेलोसिटी भी है तो यही मतलब समझ लो कि आपको यहाँ से एंगल मिल जाएगा, वेलोसिटी सेम है तो एंगल मिल जाएगा, एंगल का रेशियो मिल गया तो आगे बढ़ोगे। चलो एक काम करते धीरे धीरे, इसका क्या था फॉर्मूला, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a अपॉन 2g, क्या v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b अपॉन 2g। बच्चों समझ लो कि सारी चीजें आपकी कट हो गई, यानी v बाय 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा a अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बी। आप हो सकते ये इक्वेशन को एक साइड में लिखो, बच्चों समझ रहा क्यों कोई न्यूमेरिकल बढ़िया बनता है, क्यों उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है, ये सारी चीजों का अभी डिस्कशन हो रहा है। सर अगर मैं इसको एंगल वाइज सोचूं तो मेरे को इसके हिसाब से थीटा ए एंड थीटा बी क्या मिल सकता है। सर थीटा ए और थीटा बी कैसे मिलेगा, बच्चों ये सोचो कि इसका दोनों का रेशियो लोगे तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। सर ऐसा नहीं, आप हमें कुछ और आइडिया दो। देखो ये स्क्वायर को मैं सामने ले जाऊंगा तो रूट थ्री आएगा, इसका मतलब साइन थीटा ए अपॉन कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा बी। अब आपको रूट थ्री देख के ही पता चला कि सर टेन बोलो बोलो 60 आ जाएगा, tan 60 कब होगा जब ये sin 60 होगा, और अगर मैं इसको cos में कन्वर्ट करूं मेरा cos 60 हुआ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, देखो मजा आ गया, यहां से पता चला कि सर थीटा ए मेरा 60 डिग्री होना चाहिए और थीटा बी मेरा 30 डिग्री, क्योंकि cos 60 और साइन कैसा तो 90 में से उसको सबट्रैक्ट कर लो, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके जितनी है साइन 30 जितनी, यानी ये भी मेरा एंगल हो गया, दो एंगल मिल गए। सर इतना आप खुश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहां से बच्चों मेरे को जो रेंज बोला है रेंज मिल जाए। क्या था रेंज का फॉर्मूला, सर रेंज का फॉर्मूला v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन v एज वेल एज बी की बात करते हो तो बी जीरो स्क्वायर साइन टू थीटा बी अपॉन जी कट हो जाएगा। बच्चों मैं आपको ऐसा बोलूं, बी जीरो ए अपॉन बी जीरो बी का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें कोई इक्वेशन दिया है और यहां पे इसको मैं सोचूं और बढ़िया तरीके से
ये अगर मैं इसकी वैल्यू 60 पुट कर दूं, ये मेरा 120 हुआ, और इसकी वैल्यू 30 पुट करूं यानी मेरा 60 हुआ। देखना मजा आएगा, बी ऑट यानी 3/1 का होल स्क्वायर। चलो साइन 120 यानी √3/2 और साइन 60 वो भी √3/2 यानी बच्चों ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो गए। आप देखो कि आपका आंसर रेंज वाले में क्या आना चाहिए यानी 9/1। यस माय डियर स्टूडेंट्स, देख सकते हो डी इज माय राइट आंसर। बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू आपके लिए बच्चों। नेक्स्ट, ए एंड बी दिया है, आपको बोला है कि बोथ आर परपेंडिकुलर। बच्चों परपेंडिकुलर का मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्शन कर लो वो जीरो होगा। तो यहाँ पे कौन कौन है, 2, 3, 8, 4 - 4 = 0, 4 2 = 8, 4 3 = 12 + 8 = 0 यानी -4 = 8 है। तो 8 = 4, बात खत्म, 1/2। यस 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 माय डियर स्टूडेंट, ए इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग 150 डिग्री इज 10 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स आपका 10 न्यूटन और इसका टोटल एंगल, बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल हुआ, ये बी है और ये आपका ए। ये टोटल एंगल बेटा 150। अब रिजल्टेंट के बारे में सोचो, सपोज ये मेरा रिजल्टेंट हुआ यानी मेरा आर। अब पैरेललोग्राम मेथड समझते हो, ये मैंने बी ड्रॉ कर दिया, मैंने ए ड्रॉ कर दिया। बच्चों ये परपेंडिकुलर होने वाला है वो आपके माइंड में 3D पोर्शन के हिसाब से होगा। इफ फोर्स परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस, इससे परपेंडिकुलर है समझना यानी बी से, तो आपको पता होगा टेन अल्फा इज इक्वल टू, इसको वैसा ही लिख दो यानी बी वैसा का वैसा, क्या आएगा ए का प्रोजेक्शन होगा है ना। तो ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। बच्चों मैं ये सोचूं कि सर ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री का मतलब ये जो इंफिनिटी हुआ का मतलब 1/0। तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, बस मैंने वो नीचे वाले टर्म को पकड़ लिया, बी प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। बच्चों समझना, बी इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू 150 डिग्री है। मजा आ गया सर, अब यहां से कुछ मिलेगा सर, वो कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 - 30। यस सर, का मतलब ये मेरा cos 30। cos 30 का फॉर्मूला आप सब जानते हो, √3/2 और मेरे को इनका रिलेशन मिल गया। यस सर, तो अब बच्चों अब मैथ्स को थोड़ा और बेहतरीन बनाते हैं। बोलो पाइथागोरस आपको दिख रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं सर ये मेरा रिजल्ट है यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, इसका जितना होना चाहिए ए स्क्वायर जितना, हो गया काम का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ये समझना है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर ए स्क्वायर कट हो जाएगा। मैं आपको एक दो चीज पे फोकस करवाना चाहता हूं। अगर आप इसको शांति से देख रहे हो कि पूरे न्यूमेरिकल को समझ रहे हो, तो बेटा आप यहां से थोड़ा और डीप में जाओ, थोड़ा ऐसा सोचो कि सर इसके कारण हमारा तो बी और ए का रिलेशन तो मिल गया,
पर क्या एक ही वैल्यू हमें मिल सकती है? हाँ, क्योंकि 2ab cos थीटा वो तो 90 हो जाएगा क्योंकि एंगल तो 90 है, तो यहाँ पे 2ab वाला पोर्शन नहीं है ना? तो ये क्या हो गया सर, बिस्क्वेरी बचा ये सुनो। देखो कैसे बचा, क्योंकि आपने स्क्वेयर को कट कर दिया शांति से, स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब मैं बोलता हूँ ऐसा मत करो, क्योंकि यहाँ घूम फिर के आप वही पे बात पे आ जाओगे। देखो क्या करते, बोलो ये मेरा रिजल्टेंट था। हाँ ओके, रिजल्टेंट का मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। देखो मजा आएगा, यहीं से बात खत्म होगी। तो ये मेरा 10 का स्क्वायर, ये मेरा ए स्क्वायर। बच्चों बी का मैं रिलेशन लेके आया, देखो समझना क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। माइनस रूट थ्री बाई टू ए का होल स्क्वायर, ये मेरा 100 हो गया, ये मेरा 3a² / 4, ये मेरा ए स्क्वायर। चलो ये 100 वैसा का वैसा, इसको इधर ले जाओ, यानी ए स्क्वायर माइनस 3a² / 4, इसका मतलब ये मेरा आया a² / 4। तो a² = 400, आ गया काम, a = 20 न्यूटन। बच्चों आपको a ढूंढना था और a की वैल्यू हो गई 20 न्यूटन। बस ये वैल्यू आप यहां पुट कर दो तो आप b की वैल्यू भी ढूंढ सकते हो, पर आपको देखना है क्या पूछा है उसके हिसाब से काम करना। नेक्स्ट, बहुत 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 ही बढ़िया एमसी। अ बॉल प्रोजेक्टाइल विद एंगल 45 डिग्री एंड फ्रॉम अ पॉइंट 2 मीटर, यानी ये सरफेस आ गई, ये हमने बॉल को फेंका और ये नीचे आया। अब देखो फ्रॉम अ पॉइंट 2 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल, बच्चों यहाँ पूरा डायग्राम समझना तो ही मजा आएगा। ये मैं बॉल, ये बॉल को कंसीडर कर, ये रही हमारी बॉल, उससे कितना दूर है 2 मीटर। इट जस्ट टच द सर्फेस ऑफ द वॉल एंड रीच द 3 मीटर अवे फ्रॉम द अदर साइड, यानी यहां से अगेन 3 मीटर दूर वो गिरने वाला है। तो आपको इसकी हाइट चाहिए सर, ये टेंजेंट होगा, आपको पता है ये एंगल 45 डिग्री है। देखो यहां से आप लोग बोलोगे कि सर आपको वेलोसिटी मिल जाएगी तो और काम अच्छे से हो जाएगा, पर मैं आपको बोलूं आप थोड़ा ऐसा सोचो, टेन थीटा इज इक्वल टू 4h/r, ये मेरी शॉर्ट ट्रिक आपको याद होगी। मैक्सिमम हाइट को मैं ढूंढ लेता हूं, तो h इज इक्वल टू r/4 tan 45, टेन 45 यानी 1, और मेरा रेंज हो गया, ये मेरा रेंज हो गया, टोटल रेंज हो गया मेरा 5 मीटर। यस सर, तो ये 5/2। एक काम करो आप मैक्सिमम हाइट को अभी ड्रॉ करो, चलो तो अभी मैं मैक्सिमम हाइट को ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ये देखना ये मैंने मैक्सिमम हाइट को ड्रॉ करा। अब मैंने इसको ड्रॉ किया, उसकी टोटल हाइट क्या मिली मेरे को 5/2। अब मैंने इसका थोड़ा और मैच सोचा, यहां से आप देख सकते हो इतना छोटा सा पोर्शन था, ये उसका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट पी। बेटा ये डिस्टेंस बोलो 0.5 होगा सर, कैसे, ये टोटल 5 है तो इसका ये हाफ हो जाएगा, यानी ये मेरा 0.5 हो गया। इसको देखो बेटा, ये एंगल ये दोनों सेम होने वाले हैं, इसका मतलब यहां पे मैं अगर फोकस करूं तो अगेन 10 45 इज इक्वल टू x/0.5, का मतलब x इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, x हो गया मेरा 0.5 यानी 1/2। यस सर आपका काम हो गया। ये सोचो इसको डायग्राम को बेटा, आप वैसे सोचना जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरी मैक्सिमम हाइट वाली वॉल, यानी इसकी हाइट आपने डिफाइन की एज अ कैपिटल। मजा आएगा बेटा, समझना हो सर, ये आपकी वॉल जिसकी हाइट आपको नहीं पता, यानी स्मॉल एच बोल दो, ये जो है ये आप लेके आए हो 1/2,
आपको पता चला ये टोटल हाइट मेरी है 5/4। तो डायग्राम पे से पता चल जाता है कि स्मॉल h का मतलब 5/4 माइनस 1/2 5 - 2/4। यस सर, मेरा आंसर आ गया 3/4 मीटर, तो ए इज माय राइट आंसर। ये ऐसा न्यूमेरिकल जिसके अंदर कंसेप्ट वाइज जाना पड़ेगा तो ही आप इसको अच्छे से देख पाओगे। नेक्स्ट, अ स्टोन प्रोजेक्टाइल विद एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल इन मैक्सिमम अचीव हाइट, देन द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी TF इज इक्वल टू 2V0 साइन थीटा 0 अपॉन g। बच्चों h का फॉर्मूला क्या था? सर h का फॉर्मूला h इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो मैं सामने ले जाऊं, यानी 2hg इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर सामने आ जाएगा तो अंडर रूट। देखा बेटा कैसा कैसा कॉम्बिनेशन हो रहा है। यस, आप समझ गए होंगे 2V0 अपॉन जी को कुछ नहीं किया, और यहाँ पे हम लोग यही वैल्यू जो आप ब्रैकेट बनाने वाले हो उसको मैंने पुट कर दिया अंडर रूट 2hg। तो ये देखो बेटा, यहां से आपको समझना होगा कि 2√2 आया, 2√2 बी नॉट अकेला रूट एच और नीचे एक रूट जी बचेगा। यस सर, और इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते वो आप हमें दिखा दो बेटा, इसको आपके आंसर के हिसाब से लिखो। चलो कैसा आपका आंसर है उसके हिसाब से लिखो तो आप समझ पाओगे, है ना। और इसको थोड़ा मॉडिफाइड देखो, V0 वैसा का वैसा, सॉरी V0 तो निकल गया ना, V0 नहीं लिखना है बेटा, मैं ऐसा बोलू 2 वैसा का वैसा, और अंडर रूट सबको ले जाओ 2h अपॉन g। यस सर, तो b इज माय राइट आंसर। ओके, बहुत ही बढ़िया, हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन MCQ आपके लिए। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करना, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।